पिछले क्विज के विनर्स हैं लिटिल चैंप, इट्स लूसिफर एंड आदि गेमर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट आउट चाहिए तो आपको वीडियो में पूछे गए क्विज का आंसर सबसे पहले देना होगा। जो तीन लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर एश, जहाँ पे पिछली बार हमने अपना छठा जिम बैच जीता था जोटो रीजन का मिनरल बैच। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे अ बैच फ्रॉम द ओलिवन जिम दैट प्रूव्स यू बीट इट, यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम जैस्मिन। एंड गाइस आर, इस वीडियो में हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे और अपना सता जिम बैटल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोग मेरी हर वीडियो पे फुल सपोर्ट दिखाते हो गाइस, और ऐसे आगे दिखाते रहना। एंड मैंने अपने पोकेमॉन थोड़े ट्रेन किए तो मैं पता चल ही जाएगा। सबसे पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ओके, आइस टाइप पोकेमॉन ये यूज़ करते हैं और ये फायर टाइप के खिलाफ आई थिंक कमज़ोर होते हैं। अच्छा यार, ये अंकल जी भी बैटल करेंगे क्या? तो चलो हम लोग इसे करते हैं अपने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। आई थिंक मुझे यहाँ पे ना यूज़ कर लेना चाहिए पिकाचू को। पिकाचू जाओ। ओके चलो भैया, आराम से आराम से। थंडरबोल्ट। ओके पिकाचू यार, कवर थंडरबोल्ट। चलो लेफ्ट ओवर भी अपना काम कर ही रहा है गाइस। यार पिकाचू तुम सही में ओपी पोकेमॉन हो, सीरियसली तुम ओपी पोकेमॉन हो। तो चलो हमने इन अंकल जी को हरा दिया है। एंड ओके, तो गाइस यार यहाँ पे थोड़े ट्रेनर्स हैं, एक काम करते हैं, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं इन सारे ट्रेनर्स को ज़रा हरा दूँ, फिर हम डायरेक्ट जिम लीडर से ही मुकाबला करेंगे। तो ज़रा एक मिनट रुक जाओ गाइस। यार मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है एंड अपने फैनपी ने नया अटैक सीखा है लास्ट रिजॉर्ट, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिम लीडर से भी बात कर लेते हैं। पेरिस, हेलो देयर यंग मैन, माय नेम इज़ पेरिस। जस्ट रिसेंटली आई फाउंड माय लॉन्ग लॉस्ट पैलेस वाइन, इट हेल्प मी टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड ट्रस्ट विथ योर पोकेमॉन, लेट्स सी इफ़ यू हैव दैट। तो हम पिकाचू को लेके जा रहे हैं एंड सिंडाक्विल को। ओके दो ही पोकेमॉन, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनके पास डीगोंग। ओके थंडरबोल्ट आई थिंक। ओके चलो डीगोंग तो निपट गया। ओके सिंडाक्विल जाओ। ओके आई थिंक सिंडाक्विल, वाह यार तुम सही में यार सिंडाक्विल के लिए गए यार एक लाइक, मतलब ओपी पोकेमॉन। ओके हमने जिम बैच जीत लिया, वाह। यू हैव वॉन द ग्लेशियर बैच। तो गाइस हमें मिल चुका है ग्लेशियर बैच, अपना सातवां जिम बैच, और हमें TM भी मिला है हेल। द बॉन्ड यू हैव विद योर पोकेमॉन इज इनक्रेडिबल, डोंट एवर लूज साइट ऑफ इट। हाँ अंकल जी, हम लोग कभी नहीं लूज करेंगे, थैंक यू। तो चलो मैं गाइस तुम्हें दिखा देता हूँ अपना सातवां जिम बैच, जो कि है ग्लेशियर बैच। अ बैच फ्रॉम द मैग्नेट जिम दैट प्रूव्स यू बीट इट, यू ऑप्टिम प्रेस। तो अभी फटाफट अपने पोकेमॉन हील करा लेते हैं हम लोग, और इस वीडियो में गाइस हम लोग शायद अपना आठवां जिम बैच भी जीत लें। तो चलो तब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए, सीरियसली। चलो नीचे से निकल जाते हैं, ज़्यादा सही है। ओ यार मैंने ध्यान नहीं दिया ये थी। ओके इसके पास एक मर्करो है, चलो अपना पिकाचू तो सुपर इफेक्टिव है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके चलो फटाफट से आगे निकलते हैं। ओके मैं यहाँ से बच गया। ओके के वहीं से निकलना है, यहाँ मैं ज़रा फटाफट से रेपल यूज़ कर लूँ, सुपर नहीं मैक्स कर लेते हैं ज़्यादा ठीक है। आई थिंक सुपर ठीक है, सुपर रेपल ठीक है। ओके नर्स जो है यहाँ पे ताकि अपने पोकेमॉन, यार बहुत बढ़िया है नर्स जो, अगर बहुत टायर्ड हो तो यहाँ पर आकर हील करा लेना। थैंक यू नर्स जो यार, तुम हमेशा हमारी मदद करती हो। चलो तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऐसे यार ये पजल्स सही में ना, वहाँ एक पोके बॉल है जिसमें नेवर मेल्ट आइस है, चलो ठीक है। ये वाला तो बड़े इजीली से सॉल्व हो गया, अब आगे के पजल्स देखो। ओ भाई साहब ओके, फिर ऐसे ओके हम निकल आए। वहाँ एक पोके बॉल है यार, चलो छोड़ो मैं वापस नहीं जाने वाला यार पोके बॉल लेने।
ओके, हमें एक एम्बार्गो मिला है, अच्छी बात है। चलो तो हम लोग गाइस आ चुके हैं ब्लैक थॉर्न सिटी। बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे यार, अपने पोकेमोन तो हील आई, तो बिना टाइम पास किए सीधे हम लोग सीधा चलते हैं जिम। राइजिंग बैच लेना ना, राइजिंग बैच था शायद। ओके चलो फटाफट। ओके वेलकम टू द टफेस्ट जिम इन जोटो। हाँ यार ये सबसे टफेस्ट जिम है जोटो की। यहाँ पर शायद अपना चार्जार्ड भी आने वाला है, शायद अपना चार्जार्ड यार। हाँ क्योंकि ऐश ने चार्जार्ड को बुलाया था आठवें जिम बैच में कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चार्जार्ड के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी अगर चार्जार्ड आता है तो। अब देखो अभी तो अपने पास है नहीं वो स्पेस। मेगाहॉर्न, ओके यार सही बताओ मुझे अपनी टीम में पिकाचू और ये हेराक्रॉस, यार देख रहे हो ओपी पोकेमोन है मेरा, सीरियसली बता रहा हूँ यार। हाँ फेंट हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेगाहॉर्न मिस हो गया था इसीलिए फेंट हुआ है, वरना बाकी सारा काम तो अपना पिकाचू से मार लेगा। ओके यार चलो फटाफट से रिवाइव दे देते हैं, वन मिनट गाइस। मैं सोच रहा हूँ रिवाइवर हब खरीद लूँ यार, रिवाइवर काम की चीज़ है। नहीं मजाक नहीं, सीरियसली काम की चीज़ है रिवाइवर। चलो एक और बैटल। इफ़ यू कैंट गेट पास्ट मी यू शुड गिव अप। यार तुम तो हार जाओगे, तुम दो मिनट में हारोगे यार। वो एक शाइनी नेट्रिनी, मेरे पास भी गाइस एक डर्टिनी है जिसको मैंने कैंटो में उसमें पकड़ा था सफारी जोन में, लेवल 31 की है, जिसको मैं आगे जाके ड्रैगन एड ज़रूर बनाऊंगा, बट अभी नहीं यार, अभी तो एज की टूरी लाइन है। गलार रीजन में ना आई थिंक गलार रीजन में ही एज के पास वो था, क्या नाम है वो ड्रैगन नाइट आई थिंक, क्योंकि अलोला रीजन में था ही नहीं, गलार रीजन में था। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके अगर डबल बैटल हो जाती तो ठीक रहता यार, जल्दी नहीं पड़ जाता तो कोई बात दिक्कत नहीं, एक ही पोकेमोन है। ओह भाई सीड्रा है पिकाचू तो सुपर से डुपर इफेक्टिव है इसके खिलाफ। अरे यार अपना पिकाचू तो थोड़ा एच पी डाउन है यार, मैंने देना भूल गया। फैन पी भैया तुम्हें तो अभी होएन में इवॉल्व होना है। एंड गाइस शायद हम लोग परसों या नरसों से होएन की वीडियोस भी लाएं, तो अगर तुम चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके ज़रूर जाना। ओके चलो हाँ हेराक्रॉस के लिए मैस पोर्शन ज़्यादा हो गया, इसे बैटल कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। ओके थंडरबोल्ट, ओके यार किंड्रा की स्पीड तो सुपर से डुपर है। ओ भाई साहब रुक जा भाई किंड्रा, चलो किंड्रा भी गाइस हार चुका है। ओके पिकाचू को एक बार हम लोग फिर से दे देते हैं मैक्स पोर्शन। ओके ये लो दे दिया मैंने, एक और बैटल, आई होप यार लास्ट बैटल हो। थंडरबोल्ट, ओके स्लैम, पहली बार मुझे खुशी हो रही है अपना स्लैम लग गया, सीरियसली देखे ज़्यादा तारीफ करने का नतीजा। एक और ट्राई करूँ, कर लेते हैं चलो। ओके चलो यार पिकाचू तुमने निराश नहीं किया इस बार, अभी मैं पोकेमोन सेंटर नहीं जाने वाला। ओके चलो आगे ही है, इसका नाम शायद क्लियर था ना, हाँ क्लियर था। ओके चलो हीलअप करा लेते हैं, और ये पहली बार में तो जिम बैच देगी ही नहीं आई थिंक सो। क्लियर, इट्स रेयर टू सी अ चैलेंजर मेक इट दिस फार, आई डोंट एक्सेप्ट यू टू विन बट लेट मी सी यू इफ यू हैव विन द टेक्स। ओके तो पिकाचू को आगे रख लेते हैं और हेराक्रॉस को। ओके आई थिंक बिली, चलो इसके पास एक ही पोकेमोन है गाइस किंड्रा। हाँ तभी मतलब रियल बैटल नहीं है अभी। ओ भाई साहब
भाई किंड्रा, चलो ठीक है, अच्छा वो पेंट हो गया। इट साउंड्स लाइक इट्स कम फ्रॉम द ड्रैगन डेन, आई नीड टू गो इन्वेस्टिगेट, कम अलॉन्ग इफ यू वॉन्ट, इट्स लोकेटेड बिहाइंड द जिम। ड्रैगन डेन में कुछ हो रहा है, इसने बोला है कि तुमको भी आना हो तो आ जाना, बिल्कुल चलेंगे, बट इस बार अपना चारिज़ार्ड साथ लेते चलेंगे। तो सबसे पहले तो हील कर लेते हैं अपना पोकेमॉन, देखो अपना चारिज़ार्ड शायद लीजा ले आई होगी, आई थिंक सो लीजा ही नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ। एंड उसके लिए मुझे पीसी में एक पोकेमॉन फेंकना पड़ेगा, एंड मुझे सबसे बेकार अपना पोकेमॉन लगता है नॉक टावल। अच्छा नॉक टावल तो पीसी में पड़ा है। ओके गाइस, टोटोडाइल को नहीं मन कर रहा है मेरा भेज देना, तो टोटोडाइल को भेज देते हैं अभी। अपना नॉक टावल तो गाइस एकदम नई ट्रेंड है, मैं तो पक्का से उसको लीग में ले जाने वाला। ये शायद मूव मैनिक घर है, इससे हम अटैक सिखा देंगे आयरन टेल, क्योंकि हुएन में भी, ओ हुएन में भी आयरन टेल सिखाना है पिकाचू। ओके हमारा चारिज़ार्ड, ओके हियर हाउ इट्स गोइंग, योर पोकेमॉन गेट स्ट्रॉन्गर बाय लेवल, योर प्राइमेसर ग्रो बाय लेवल अबाउट 13, बाय लेवल योर चारिज़ार्ड ग्रो बाय अबाउट 2, डू यू वांट, यस। तो चलो चारिज़ार्ड आ जाओ मेरा प्यारा चारिज़ार्ड। यार एनिमी तुमने पैसा नहीं लिया था यार ऐसे, मतलब क्या यार लीजा, देख लेते अपना पोकेमॉन आ गया वापस। ओके चारिज़ार्ड वेलकम बैक ब्रो, इसी को आगे करेंगे हम, चलो अब चलते हैं। अरे भाई साहब इतना अंधेरा। ओके ट्रेनर्स भी हैं गाइस, एंड कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, बात ये है बहुत ज़्यादा अंधेरा। ओके यार जिस मतलब मूव से मैं इसे 4000 मतलब छोड़ के गया था, आई थिंक इसने वही मूव रखे हैं, कोई नया मूव नहीं सिखाया है इसने। लेकिन तभी मुझे लीजा के पास ही छोड़ना पड़ेगा गाइस इसे, बिकॉज ट्रेंड हो रहा है ना अभी तो 4000, इसने बस यहीं पे इस्तेमाल किया था तो हम लोग यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। ओके चलो फटाफट, आई थिंक दिस, ओके यार पोकेमॉन भी अपीयर हो रहा है। ओ भाई साहब ड्रेटिनी, मन तो मेरा बहुत है यार, लेकिन अब है मेरे पास एक पीसीम पड़ा है तो, लेकिन मेरा जो पीसीम पड़ा है गाइस वो लेवल 31 का है, यानी लेवल 33 का है। ओके रास्ता कहाँ से जा रहा है यार, आई होप सही जा रहा हो। ओके ओके कैल्शियम मिला, चलो तुम लोग बाहर आ गए क्लियर। वॉट ओके टीम रॉकेट देखो यहाँ भी पंगा करेगी। वॉट हैव यू डन विद द ड्रैगन फैंग, वॉट आर यू डूइंग टू दैट ड्रैगन नाइट, जस्ट सी ड्रैगन नाइट बिलोंग्स टू अस नाउ। अरे यार यार तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है यार, क्लियर ने बोला कि मैं ड्रैगन नाइट को संभालती हूँ, तुम इनको संभालो यार। चलो रिजार्ट कमाल दिखाओ फ्लेम थ्रोअर से, यार ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, टीम रॉकेट तो कत्ता ही नहीं, मुझे तो कत्ता ही नहीं लगता है कभी सुधरने वाली प्राणी है। हाँ मैंने प्राणी ही बोला, प्राणी है ही नहीं यार सीरियसली, हर जगह आ जाते हैं अपनी टांग घुसेड़ने। क्या यार इनको गुस्सा लगती है मुझे कभी कभी ड्रीम रॉकेट पे गाइस, देखो अपना 4000 कितना ओपी हो गया है, अपना फैन भी कितना ओपी हो गया यार। 4000 आया धूम मचा दिया, चलो हाँ तुम लोग हमेशा उड़ते ही हुए तो आज भी उड़े तो कौन सी नहीं बात है, नहीं फैन भी तुम्हें इवॉल्व नहीं होना। चलो क्लियर के पास चलते हैं, थैंक यू फॉर योर हेल्प आदित्य, ड्रैगन नाइट हैज क्लेम डाउन, चलो ठीक है हमें मिला ड्रैगन फैंग। ओके क्लियर तो गई जिम ड्रैगन नाइट, ओके हम लोग भी चलते हैं यार फटाफट से, मैं रास्ता ना भूल जाऊँ। एक मिनट आई थिंक इधर था फिर इधर था, इधर सीधे जाना है, सीधे जाते रहो। ओके ओके यार अब रफल लगाने की जरूरत भी नहीं है। ओह एक लार्विटार, हमें शायद ऐश को जोटो में ही लार्विटार मिला था गाइस, एंड एग में मिला था, और बताओ यहाँ पे वाइल्ड घूम रहा है ड्रेटिनी लार्विटार ये सब, मतलब यार ओपी। ऐश तुम लोग को पकड़ने का मन करे ना पकड़ लेना। तो चलो अब चलते हैं वापस, अपना 8वां जिम बैज इंतज़ार कर रहा है मेरा 8वां जिम बैज। ओके फटाफट से मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प हैव डन, लेट्स कंटिन्यू आवर बैटल शैल वी, द मैच 4000 और पिकाचू और हेराक्रॉस का इस्तेमाल करूँगा।
चार्जर्ट अपने पास आ गया यार, तो चार्जर्ट का यूज़ करना तो कैसे बनता ही है, कैसे नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। ओके यार, तो क्या मैं 4000 को गैस दोबारा देना पड़ेगा यार, मेरा मन तो नहीं है बट देना तो पड़ेगा ही गैस। बस गेम रूल, गेम के आगे किसकी मर्जी चलेगी। ओके ड्रैगन एयर, जब हम पहली बार बैटल करने गए तो सिर्फ किंग ड्रा, और इस बार ड्रैगन एयर। भाई साहब खतरनाक लग रहा है ये तो, खतरनाक मूड में लग रहा है हाइपर बीम करने के। मैं कहाँ, इसीलिए हर क्रॉस जाओ यार। हमने उससे 4000 से एक ही बैटल कराई, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4000 भी अपना ओपी है। यू हैव टू गाइस, हमें अपना आखिरी जिम बैच मिल चुका है जो टू रीजन का, जो कि है राइजिंग बैच, और हमें टीएम भी मिला है ड्रैगन क्लॉ। ओके आई एसम दैट इज योर लास्ट जिम बैच, गुड लक टू द लीग, थैंक यू क्लियर यार। एंड गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार जोटो लीग सिल्वर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाएंगे गाइस, तो मूव मैनिक से मैं अटैक सिखा दूंगा बाद में। अभी फटाफट अपने पोकेमॉन हील करा लेते हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बनना।